हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन विद हिमांशी भट्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिक साइंस चैप्टर 8 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था ह्यूमन बॉडीज एंड इट्स मूवमेंट के बारे में, तो अब हम बात करेंगे इस पार्ट 2 में गेट ऑफ एनिमल के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी एनिमल के बारे में स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एनिमल का स्ट्रक्चर, मूवमेंट, वो कैसे चलता है, उसकी शेप क्या है, ये सब के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है 8.2, वो भी आप देख लेना। ओके, तो फर्स्टली हम इसमें देखें तो हमें जो स्टडी करनी है वो है अर्थवॉर्म के बारे में। अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल्स है जो मूविंग करता है सॉइल ऑन द गार्डन में, मिट्टी में ये मूव करता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका का होता है। जैसे कि आपको पता होगा, ये सॉइल में, मिट्टी में जो है पाया जाता है। ओके, द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म जो होती है ये मेडअप होती है मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। इसमें बहुत सारी रिंग्स बनी होती हैं जिसकी वजह से वो रिंग्स को कलेक्ट करके आगे की ओर पुश करते हैं, आगे की ओर चलता है। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हो, इसमें रिंग्स आपको दिख रही होंगी। ये जो रिंग्स होती हैं ये इसको मदद करती हैं आगे को आगे की तरफ चलने में। इसके पास लैग तो होते नहीं हैं, तो ये अपनी ही सरफेस से, अपनी ही रिंग्स की मदद से इसको चलने में मदद मिलती है। आगे बात करें तो अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन, इसके पास हड्डी नहीं होती। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो हड्डी है वो नहीं मौजूद होती। ये क्या होता है? इट्स हैज मसल्स, इसके पास एक मसल्स होती है जो कि हेल्प करती है इसको एक्सटेंड और शॉर्टेंड करने में, मतलब कि एक्सटेंड फैलने में और छोटा बड़ा होने में इसको मसल्स ही हेल्प करती है, और चलने में भी इसको मसल्स ही हेल्प करती है। याद रखना, बोन्स इसमें नहीं होते अर्थवॉर्म में। ओके, ना ही लैग होते हैं, ना कि हैंड होते हैं, बस इसमें एक मसल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और रिंग वार्म रिंग टाइप होता है। इसमें रिंग्स होती हैं जो कि इसको हेल्प करती हैं मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव होने में। ड्यूरिंग मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान इसमें क्या होता है? ये एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? एक्सपेंशन मतलब फैलाव, फैल जाना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब इकट्ठा हो जाना। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर फैलता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर फैलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर फैलेगा, ऐसे को ये आगे की तरफ चलता है। जो जब आप देखना अपने पौधों में, अपने प्लांट्स में भी आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ऐसे छोटे छोटे रिंग वॉर्म जो है पाए जाएंगे। तो ये जो होते हैं ये किस तरीके से चलते हैं वो भी आपको दिखाई देंगे कि वो कैसे चल रहे हैं सरफेस पे। तो देखना, अंडर द बॉडी, इसकी बॉडी जो होती है, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी ब्रिस्टल्स, मतलब कि हेयर्स। हेयर्स को ब्रिस्टल्स कहा जाता है। हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं इसकी बॉडी में, जो कि क्या करते हैं, ग्राउंड में चलने में भी हेल्प करते हैं, इसके मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। ओके, और द अर्थवॉर्म्स मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स जो मिट्टी होती है उसमें, मैंने कहा पाए जाते हैं, मैंने कहा था कि सॉइल में भी आप देख सकते हैं, मिट्टी में भी आप पाए जाते हैं। तो ये कैसे हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं प्लांट्स के लिए? क्योंकि ये जो खाना खाते हैं, अंदर जो लेते हैं, उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो पच नहीं पाता, वो छोड़ देते हैं। जिस वजह से जो वो फूड वो छोड़ देते हैं, वो प्लांट्स को जो है ग्रो करने में, सॉइल को उसमें मिनरल्स मिलने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये प्लांट्स के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, जिस वजह से ये प्लांट्स में, पौधों में और सॉइल में, मिट्टी में रहते हैं। ओके, ये इस तरीके के होते हैं। अब बात करें स्नेल की। स्नेल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्नेल आपने देखा होगा, आपके आसपास भी स्नेल दिखता होगा, और ये भी प्लांट्स में भी पाया जाता है। छोटे छोटे, एक बहुत ही, मतलब कहीं बहुत ही छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी हो जाते हैं। तो जो प्लांट्स में, हमारे घरों में, पौधों में पाए जाते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो स्नेल कैसे होता है? हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट्स कैरी ऑन इट्स बैक, जिसे आप देख रहे हैं शंख टाइप स्ट्रक्चर, इसके बैक में आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर स्ट्रक्चर, राउंड राउंड सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये शंख टाइप का दिखता है, देखने में ऐसे ही लगता है जैसे कि शंख हो। तो इट इज कॉल्ड द, इसको अगर देखें, इसका नाम क्या है? सेल। इसका नाम है सेल, जो ऊपर जो लगी है इसको बोलते हैं सेल। ओके, एंड इट इज द आउटर स्केल्टन, इसका बाहर का ये जो स्केल्टन है जो है, इसको स्केल्टन ही एक तरीके से बोला जाता है, बट ये बोन से नहीं बना होता है, ये एक हड्डी से नहीं बना हुआ है। ओके, ये एक स्केल्टन ही है, इसके हिस्से का, इसके पूरे ऊपरी भार इसका मतलब है, बट ये बोन से नहीं बना है, हड्डियों से नहीं बना है। इट हैज़ टू बी ड्रैग,
dragged along. Dragged मतलब घसीट, घसीट के जो मतलब घसीटना, इसको जो घसीटने में हेल्प करता है, घिसड़ घिसड़ के जो चलता है उसमें ये हेल्प करता है. ओके और द थिक स्ट्रक्चर जो इसका है, जो फूट पैरों की तरफ जो होता है, पैरों की तरफ आप देख सकते हैं, ये बहुत थिक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स से बना हुआ होता है. ओके जो इसको आगे की तरफ ले जाने में, चलने में मदद करता है. ये थी स्नेल की बात. अब बात करते हैं कॉकरोच. कॉकरोच क्या होता है? कॉकरोच वॉक और क्लिम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर. कॉकरोच आपने जनरली अपने घरों में और आसपास देखा होगा, कॉकरोच पाए जाते हैं. तो कॉकरोच कितने क्या क्या कर सकते हैं? कॉकरोच क्लिम वॉक ऑन फ्लाई. वॉक मतलब चल भी सकते हैं, क्लिम मतलब ऊपर को दीवारों में भी चल सकते हैं, और कुछ कॉकरोचेज ऐसे होते हैं जो कि उड़ भी सकते हैं. ओके दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग. इसमें थ्री पेयर्स ऑफ लेग आपको दिखेगी, जैसे आगे की तरफ एक लैग, एक मिडिल में और एक पीछे. ये तीन तरीके के तीन पेयर ऑफ लैग होते हैं जो इन्हें चलने में मदद करते हैं. द बॉडी जो होती है कवर्ड होती है हार्ट आउटर स्केल्टन, जो बाहर का जिसका स्केल्टन होता है, जो कि इनको बॉडी को कवर करने बहुत हार्ड पोर्शन का होता है, बाहर का कवर इनका. ओके हेल्प करता है मूवमेंट्स करने में, मतलब कि इधर उधर चलने में, कुछ भी मूवमेंट करना हो तो इसको कॉकरोच को क्या होता है, स्केल्टन हेल्प करता है. और देर आर टू पेयर ऑफ विंग्स. विंग्स जैसे आप ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पे विंग्स आपको दिखाई देंगी. टू पेयर ऑफ विंग्स इसमें होती हैं, अटैच होती है कहाँ पे, ब्रेस्ट में. ब्रेस्ट क्या होता है? ऊपर का इनका बाहर का सरफेस, जो ऊपर का ये सरफेस है इसको ब्रेस्ट बोला जाता है, जहाँ पे विंग्स जो होती हैं अटैच होती हैं. इस तरफ सरफेस, ऊपर का सरफेस को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोलते हैं, जहाँ पे क्या होती है, विंग्स अटैच होती है, पंख अटैच होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उड़ने में, फ्लाई करने में. ओके द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स नियर द लेग. इनके पास मसल्स भी होती हैं लेग के पास, जो कि चलने में इन्हें मदद करती है. बोन्स नहीं होते हैं मगर मसल्स होती हैं जो कि इन्हें चलने में मदद करती हैं. ओके अब बात करते हैं बर्ड्स की. बर्ड्स तो आपने देखी ही होंगी. बर्ड्स क्या होती हैं? बर्ड्स फ्लाई करती हैं और क्या करती हैं, चलती भी हैं ग्राउंड में. तो सम बर्ड्स लाइक डक और स्वैंस, ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं, स्विम करते हैं, तैरते हैं. कुछ बर्ड्स जो होती हैं उड़ती हैं, कुछ बर्ड्स चलती हैं, और कुछ बर्ड स्विम भी करती हैं, मतलब कि पानी में भी रहती हैं. ओके तो देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट. इनकी जो हड्डी होती है, इनकी जो बोन्स होती है, काफ़ी भारी नहीं होती है, बहुत ही हल्की होती है. मगर बोन्स आर हिंड लिम्स एंड टाइपिकली फॉर अ वॉकिंग एंड पर्चिंग. पर्चिंग मतलब क्या होता है? पर्चिंग मतलब किसी भी पेड़ में बैठ जाना, किसी भी उसमें बैठ जाना, उसको पर्चिंग बोलते हैं. जैसे कि बर्ड्स जो है कहीं पे भी जाके बैठ जाती हैं, किसी भी पेड़ पे जाके बैठ जाती हैं. तो इनमें क्या होता है, एक ऐसी बोन होती है जो इन्हें वॉकिंग करने में, चलने में और कहीं में भी बैठ जाने में, मतलब इतना भार नहीं होता है कि अगर वो कहीं बैठी हैं तो वो टूट जाए. तो कि इससे पता लगा सकते हैं कि इनकी जो बोन्स होती हैं वो इतनी भारी नहीं होती हैं, बहुत ही हल्की लाइट होती हैं. ठीक है, जिस वजह से ये अपना भार, अपना जो पूरा स्ट्रक्चर है वो संभाल लेती हैं. ओके तो इनकी बोनी पार्ट जो होता है वो फोरलिप्स होता है और मॉडिफाई होता है विंग्स से, मतलब कि जो विंग्स होती हैं इनकी वो इनको उड़ने में मदद करती हैं, है ना. और फोरलिप्स होती हैं, फोर लिम्स क्या करती हैं इनको, फोर लिम्स होती हैं जैसे कि आगे के हाथ, या आप देख रहे हैं जहाँ से वो उड़ते हैं उसे फोर लिम्स कहा जाता है, जो कि उन्हें उड़ने में मदद करती हैं. और इनके शोल्डर्स जो होते हैं, इनकी शोल्डर्स की हड्डी जो होती है वो स्ट्रांग होती है, और ब्रेस्ट बोन जो होती है वो थोड़ी मॉडिफाई होती है, होल्ड करते हैं, मसल्स होल्ड करती हैं इन पर, और फ्लाई करने में और फ्लाइट करने में यूजिंग द मूव ऑफ विंग्स अप एंड डाउन. तो इनमें कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो कि हल्की होती हैं, कुछ भारी होती हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं बीच वाला स्ट्रक्चर, बीस वाला स्ट्रक्चर कुछ स्ट्रॉन्ग मसल्स और स्ट्रॉन्ग बोन से बना हुआ होता है, और जो इनकी फ्लाइंग करने की, जहाँ से ये उड़ सकती हैं, ये ज़्यादा भारी नहीं होता. अगर ये भारी होगा तो ये उड़ नहीं सकेंगी. तो अगर उन्हें उड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इनकी जो ब्रिस्ट बोन है, जो कि हड्डी है बोन्स की जहाँ से ये उड़ती हैं, वहाँ की कैसी होती है, मॉडिफाई होती है, ना ज़्यादा भारी होती है ना ज़्यादा हल्की होती है, जो कि ईजिली हवा से उड़ सकती हैं.
ओके तो ये थी बर्ड्स की बात। अब आते हैं फिश के बारे में। फिश क्या होती है? द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन मिडिल पोर्शन। जैसे कि आपको पता है ये फिश का पार्ट जो होता है, अगर हम स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो इसके जो बीच वाला पार्ट होता है वो काफ़ी भारी होता है अदर देन इनके टेल से, और इनके जो ये लगे होते हैं पंख टाइप जिनसे ये स्विम करती हैं, जिनमें पानी में जो है ये ईजिली तैर सकती हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्मॉलर होता है टेल का, और ऊपर का भाग जो हेड का भाग होता है ऊपर का भाग वो काफ़ी हल्का होता है, स्मॉलर होता है। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हैं टेल और ये ऊपर का पोर्शन जो होता है ऊपर की वो काफ़ी स्मॉलर है, छोटा है पूरे स्ट्रक्चर से। ओके और बीच की जो हड्डी होती है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा भारी और बड़ी होती है अदर देन इनके पंख से और टेल से, ये काफ़ी हल्के होते हैं। ओके और इनके जो मिडल पोर्शन है वो बॉडी का वो काफ़ी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत भारी होता है, और बॉडी टैपर्स एंड बोथ एंड जो होते हैं शेप होते हैं उसे स्ट्रिपलेंट कहते हैं। स्ट्रिपलेंट मतलब क्या होता है? स्ट्रिपलेंट मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक गोल टाइप स्ट्रक्चर हो और लास्ट से जो है थिन हो, मतलब पतला हो, जैसे कि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे टाइप स्ट्रक्चर आपने मछली का जब भी बनाते हो आप ऐसे बनाते हो, फिर आप ऐसे करके ऐसे बनाते हो, है ना। तो फिर जो ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर का नाम याद रखना आप, इसका नाम है स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर। स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर इसलिए होता है जो कि शेप जो होती है वो अलाउ करती है फिश को मूव करने में वाटर में। वाटर में अगर वो ईजिली मूव कर पाएंगी तो क्यों कर पाएंगी? स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर की वजह से। ये जो स्ट्रक्चर इनका इस तरीके से होता है ये क्या करता है? इन्हें ईजिली वाटर में तैरने में मदद करता है। ओके और जो पीछे का हिस्सा टेल जो होती है और ये जो होता है ये बहुत हल्का होता है जिससे कि पानी में वो ईजिली तैर सकती हैं। और इनका जो स्केल्टन होता है, हड्डी होती है, ढांचा होता है फिश का, वो कवर होता है स्ट्रॉन्ग मसल से। जैसे कि आप इस पिक में ईजिली देख सकते हैं कि जो अंदर की पार्ट है, अंदर का पार्ट जो है मसल से भरा हुआ है, मसल्स हैं इसमें और बोन्स भी बहुत भारी होती हैं। ओके फिंस को कहा जाता है पंख। पंख जो होते हैं टेल में होते हैं, जैसे ये होती है टेल, पीछे की पूंछ होती है, इसमें ऐसे पंख होते हैं जो इन्हें बैलेंस रखते हैं, इनकी बॉडी को बैलेंस रखते हैं ताकि वो डायरेक्शन में इजली जाएं और पानी में इजली वो फ्लो कर सके। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं प्रकृति द्वारा, इन्हें स्ट्रक्चर दिए गए हैं ताकि ये अपनी जगह में आसानी से रह पाएँ। जैसे कि इनको पानी में रहने की आदत होती है, कोई अगर बर्ड है कोई पानी में जो फ्लाई करती है वो पानी में इजिली नहीं रह सकती क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है ताकि वो पंख में, मतलब पंख दिए जाते हैं जो वो उड़ सकें, जो कि एयर में ही उड़ सकते हैं। बट इनका स्ट्रक्चर कैसा दिया हुआ है? इनका स्ट्रक्चर पानी में जो कि आराम से ये फ्लो हो सके, ईजिली रह सके। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का होता है। जो पीछे की टेल्स होती है वो बहुत हल्की होती है, पीछे के जो इनके होते हैं पंख जो कि बहुत हल्के होते हैं, जो कि बैलेंस करने में इनकी बॉडी को और डायरेक्शन में आराम से ये फ्लो कर सके पानी में। ओके तो ये थी बात इस, अब बात करते हैं स्नैक की। अब स्नैक के बारे में हम बात करें तो स्नैक तो आपने देखा होगा, बट देखते हैं और क्या क्या चीज़ हम जान सकते हैं। तो फर्स्टली जो बात करें यहाँ पे, तो फर्स्टली क्या बोला गया है? हैव यू सीन अ स्नैक स्लाइटर। स्लाइटर मतलब होता है रेंगना, ठीक है। स्लाइटर करता है, जो स्नैक होता है वो रेंगता है, बिल्कुल रेंगता है। तो इसका आंसर होगा यस। डज इट मूव स्ट्रेटली? क्या हमारा वो जो स्नैक होता है वो क्या सीधा ही जाता है, ऐसे सीधा 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 ही चलता रहता है? नो, इसका आंसर नो होगा, क्योंकि ये क्या करता है, ऐसे चलता है। कभी भी आपने देखा होगा स्नैक मूवी में, नाटक में, तो आप देखते हो ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे ही हमेशा चलता है ना, ऐसे ऐसे कभी भी सीधा नहीं चलता है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, नो। तो ये थे दो क्वेश्चन जो थे थोड़े इम्पॉर्टेंट थे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं स्नैक के बारे में, हम क्या जान सकते हैं। तो स्नैक के पास क्या होता है? बहुत ही लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बैकबोन होती है। बैकबोन क्या होती है? पीछे की ये वाली बैकबोन, जो इसको पीछे की बैकबोन को कहते हैं, जो ये वाली बैकबोन होती है, ये पीछे की बैकबोन होती है, ये क्या होती है? काफ़ी लॉन्ग होती है। ओके और
थिन मसल्स होती है, काफ़ी कम ही मसल्स इसमें होती है, बट बोन बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, लंबी होती है। मसल्स इसमें इतनी नहीं होती, बहुत कम मसल्स होती है, थिन मसल्स होती हैं। मसल्स हैव इंटरकनेक्टेड द बैकबोन, मसल्स जो होती हैं वो बैकबोन से कनेक्ट होती है, रिब से कनेक्ट होती है और स्किन से कनेक्ट होती है, जो कि हमने ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स में भी देखा था कि हमारी जो मसल्स हैं हमारी किससे कनेक्ट है, हमारी हड्डियों से, हमारी बैकबोन्स, हमारी बोन से, रिब से और स्किन से। रिब्स क्या होती हैं, एक जाल टाइप होता है, जाल स्ट्रक्चर जो कि हड्डियों से बना हुआ होता है ना। द स्नैक्स बॉडी जो होती है वो कर्व इनटू मैनी लूप्स, बहुत लूप से कर्व्ड होती है, ऐसे घूमी गोल गोल सी होती है, जैसे आपने देखा होगा स्नैक्स की काफ़ी लूप से स्ट्रक्चर होता है, गोल गोल सा। तो जो लूप्स होता है उन्हें क्या करता है, पुश करता है आगे की तरफ, आगे की तरफ वो जब जाते हैं तो उन्हें पुश करता है क्या करने में, आगे चलने में। तो जो लूप मतलब होता है ऐसे गोल गोल कर चल के, जब वो जाते हैं ऐसे ऐसे तो वो आगे की तरफ उन्हें मूवमेंट मिलती है, फॉरवर्ड की तरफ वो प्रेसिंग मिलती है ताकि वो आगे बढ़ते हैं। तो स्नैक मूव्स वेरी फास्ट एंड नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हमने पहले जान लिया कि जो स्नैक है वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है और बहुत फास्टली हमें देखने को मिलता है, बहुत फास्टली भी वो चल सकता है। ओके, तो ये स्नैक के बारे में बात। तो ये था हमारा चैप्टर, आई होप आपको समझ आया हो इस पूरे चैप्टर में, पार्ट टू में। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं देख लेना, पार्ट वन भी इसी आपको इसी चैनल में मिल जाएगा इजीली। और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताएं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।